स्वामी जी, आपने हमेशा कहा है अपने लेक्चर में कि इमोशनल नहीं बनना, तो ऐसा आपने क्यों कहा? क्योंकि इमोशंस आर वीकनेसेस, दे आर नॉट द स्ट्रेंथ, एंड टू हैव इमोशन इज वन थिंग एंड टू बिकम इमोशनल इज अदर थिंग. इमोशंस आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ आवर पर्सनालिटी, बट इमोशनलिज्म इज अ स्कार. And such people, those who are emotional, they want to get their things done under the shelter of emotionalism. And this is where the ego is born. Therefore, in simple words, those people who are too much emotional, they are very strong personalities. Nobody can help us. स्वामी जी, आप खुश रहने का एक ऐसा मंत्र बता दीजिए जिसको प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो. खुश रहना, इसका निर्णय ले लो और उसके पीछे एक चिंतन करो कि दुखी होने का कारण क्या है. आपको पता चलेगा जहाँ जरूरत नहीं वहां हम जाते हैं जी, इसीलिए दुखी हो. जब किसी ने कुछ पूछा नहीं हम बोल देते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं. तो ये अपना जो हैप्पी मंत्र माला है उस पर चिंतन करो, रोज का रोज उसको सुनो जी. जैसे जय राम का जप करते हैं ना, वैसे उस मंत्र को सुनो. कभी ना कभी कोई ना कोई क्लिक हो जाता है. देखो, टू बी हैप्पी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. When we do something, we try to become happy. जी. So becoming happy is different. Being happy is different. What is the thin line between these two words? I want. Okay. Who wants happiness? He who is miserable. He wants happiness. Like who wants food? He who is hungry. So why seek happiness? Why not express happiness? So whatever physically we do, do it happily. Whatever we talk happily. Whatever we think happily. So let happiness be expressed to us. Not that happiness is sought after by us. Okay. So I should not talk to make you happy. जी. I should talk happily. So to be happy or not, it is your choice. Beautiful. So यही है, बाकी क्या है? स्वामी जी, we try to become happy, जी. We are postponing our happiness in the future period of time. In being happy, no efforts are required. Love. And we are always in the present. And we can be happy only in the present. We cannot be happy yesterday. आज का भी कल जाए तो कल हम लोग फिर खुश रहेंगे. भूल नहीं गए, कल फिर एक दिन आएगा तो जी. कल तो कभी आता ही नहीं, कभी नहीं. स्वामी जी, एक बार आपने लेक्चर में बहुत अच्छे से आईफोन और सैमसंग की बातें बताई थी, क्या फर्क है दोनों में? वैसे ही है, वो मजाक के लिए है. आईफोन का मतलब है छोटा आए हैं जी. जी, वो स्मॉल आई. एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट है जी, they are prestige products. जी जी. Many of them who use them, they hardly really use them. Only to show off. They have their iPhone. That is 13-14 years कभी. जी. और करते क्या है उसमें से? WhatsApp. उससे आगे क्या करना चाहते हैं? जी जी. अकल तो है नहीं, लेकिन दिखाना है कि मेरे पास iPhone है. तो हमने ईगो को बढ़ाने का चक्कर है यार. और हमारा सैमसंग जो है वो शाम के संग है, कन्हैया के साथ है, एंड्रॉइड है जी. आराम से इस्तेमाल करो जी, और पहुंच पे रहो. आईफोन, आईपैड, आईमैक सब में आई है स्वामी जी. बेचारा फादर हस्बैंड जो है कीपैड, आईपैड, आईपैड सब बस जी. थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू फॉर योर टाइम.